तो दोस्तों आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है पहली टर्म और दूसरी टर्म का। उस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चे का कमेंट आया और वो बोला कि सर एचबीएससी वालों का भी तो बताओ उनका क्या रहा। तो जब मैंने उसकी डिमांड के ऊपर यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली, सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पर सीबीएसई की भरी हुई थी कि सीबीएसई की फर्स्ट टर्म, सीबीएसई की सेकेंड टर्म, सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस, लेकिन इस भारत देश में एचबीएससी वाले भी बच्चे पढ़ते हैं भैया जी। तो आज हम बात करेंगे सबसे हटके यानी एचबीएससी वाले बच्चों के लिए कि उनका सिलेबस कितना है 12th क्लास का मैथ का, क्या उनका भी कोई सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है या उनका भी कोई फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे या पूरे साल में एक बार ही एग्जाम होंगे। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज इस वीडियो में देने आया हूं। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि भारत देश के हर एक एचबीएससी वाले बच्चे की डाउट होगा आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर। जी दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएससी वाले बच्चों के लिए, कहने का मतलब एचबीएससी का सिलेबस क्या है मैथ का 12th क्लास के बच्चों का, उनका क्या कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है या क्या उनका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे, किस तरह होंगे उनके एग्जाम, या जो हमारी न्यूज आई थी कि सीबीएसई की पहली टर्म और दूसरी टर्म में एग्जाम होंगे, क्या वो न्यूज हमारे एचबीएससी वालों ने भी दे दी है, इन सारी बातों के जवाब देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना बस। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एचबीएससी वाले 12th क्लास के मैथ के सिलेबस की कि हमारा मैथ का सिलेबस क्या है, उसके बाद ही हम ये देखेंगे कि उनमें से क्या क्या सिलेबस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। तो देखो जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो इस प्रकार है, पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स, चौथा चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट, पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हर एक बच्चा, क्योंकि अभी तक हमारा अगस्त चल रहा है तो हर एक बच्चे ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंच गया होगा, इन सारे चैप्टरों के बारे में उसने सीख लिया होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो हमारे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ये फंक्शन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं हमारे, 1 1 1 2 फंक्शन होते हैं, जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो भी उसने सीख ली होगी कि अब की बार हमें इनवर्स के फॉर्मूले सीखने होंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के। उसके बाद आता है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये सारी बातें सीख ली होंगी। चौथा चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारी सेकंड एक्सरसाइज की प्रॉपर्टियों का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो या डिटर्मिनेंट को किसी और के इक्वल प्रूव करना होगा, या डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या निकालते हैं, 2×2, 3×3 का इनवर्स निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट, ये सारी बातें सीख ली होंगी। और लास्ट पांचवा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो बहुत से बच्चे इस तक पहुंच गए होंगे लेकिन बहुत से बच्चे नहीं पहुंचे होंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पूरे चैप्टर का यहां से शुरू होता है हमारा कैलकुलस। तो जब तक बच्चे को कैलकुलस, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएंगे उसके बहुत से चैप्टर रह जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ही हमारे बहुत से चैप्टर डिपेंड करते हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, इसमें हमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम प्रूव करनी होगी, जो आगे बताऊंगा, आगे चलकर ये थ्योरम हमारी क्या कर दी गई है, रिड्यूस्ड कर दी गई है, और इसमें से हमारे कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो रिड्यूस्ड की गई हैं वो बताएंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें पांच एक्सरसाइज पढ़नी होंगी, तो पांचों एक्सरसाइजों में अलग अलग क्या होंगे हमारे टॉपिक्स होंगे, पहली एक्सरसाइज में चेंज ऑफ क्वांटिटी होगा, दूसरी एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तीसरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, तीसरी एक्सरसाइज में हमारे पास स्लोप मिलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलेंगी, चौथी एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेशन, और पांचवीं में सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेगा। तो उनमें से भी एक एक्सरसाइज हमारी रिड्यूस्ड की गई है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पूरी की पूरी 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन या नहीं आगे चलकर जब हम एयरफोर्स नेवी के एग्जाम देते हैं और भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं एनडीए वगैरह, उनमें भी इंटीग्रेशन के बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि हम इंटीग्रेशन का यूज करके कौन कौन सी चीजें हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन था। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है उसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का प्रयोग करके चीज़ों को निकालेंगे। उसके बाद आता है हमारा वेक्टर, तो वेक्टर तो आपने फिजिक्स में भी पिछले साल पढ़ा होगा, वही चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज़ें। 3D होता है हमारा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है और वो होता है सोल टेस्ट डिस्टेंस का। तो जब हम सेकंड टर्म यानी सेकंड सिलेबस के उसमें जाएंगे तो हम इस चैप्टर की भी वीडियो बिल्कुल कन्फर्म बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर होता है जो सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का मार्क्स में आता है एग्जाम में, जो हर बार देखने को मिलता है, और पूरे के पूरे चैप्टर का एक ही काम होगा अगर एक प्रोसेस आपने सीख ली, जैसे हमने 11th क्लास में 4th चैप्टर सीखा था।
एक क्वेश्चन सीखने के बाद सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका इंटीग्रेशन के बाद, वो होता है अब की बार प्रोबेबिलिटी। तो सब बच्चे ये मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो सबसे ईजी टॉपिक होगा, लेकिन ट्वेल्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी थोड़ी टफ होगी और सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पूरी हर एक क्लास ट्वेल्थ तक जब तक आप आए हो, हर एक बार आपने प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, लेकिन सबसे जो टफ और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी की, वो ट्वेल्थ क्लास में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ट्वेल्थ क्लास के मैथ का, क्योंकि इस इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा नंबर का आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। इस पूरे के पूरे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा नंबर का हमारा चैप्टर है वो ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी कम से कम 10 नंबर की आएगी, अकेला पूरा का पूरा चैप्टर 10 नंबर का। इस पूरे के पूरे 12 बाकी बचे 12 चैप्टरों में कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो 10 नंबर का आएगा, लेकिन एक अकेली प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की आएगी हमारे पास ट्वेल्थ क्लास में। तो आप सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो अब बात करते हैं इसके रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। ये तो था हमारा सिलेबस जो हर बच्चा लगभग जानता ही होगा। तो सबसे पहले बात ये बताता हूँ आपको कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं मैथ का, सिर्फ मैथ मैथ का नहीं, हर एक जो सब्जेक्ट है, HBSC की साइट पर जाएं और आपको वह सिलेबस मिल जाएगा। मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, किसी भी चीज़ का आपको सिलेबस देखना हो, इंग्लिश हिंदी, सारे के सारे सिलेबस वहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरह आपने वो सिलेबस ढूंढना है, किस तरह आपने वो खोजना है, तो बात करते हैं अब उसी के बारे में। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा गूगल अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद हम यहाँ फिल करेंगे HBSC डिलीटेड सिलेबस फॉर क्लास 12th 2021-2022। जब हम इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास HBSC की एक साइट निकल कर आती है BSEH। इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से, और वहाँ से हम अपना क्या करेंगे, मैथ का सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो कैसे होगा मैथ का सिलेबस डाउनलोड, जब हम यहाँ जो ये लो हमारी ओपन हो गई है HBSC साइट, तो जब हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ सब्जेक्टों में मैथ खोजना होगा, मैथ सर्च करना होगा। तो देखो ये रहा हमारा मैथ, जब इसको हम यहाँ इस साइड आते हैं तो यहाँ क्लिक एयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो हमने यहाँ से कर लिया इसको डाउनलोड। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ से ओपन हो गया हमारा सिलेबस मैथ का। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, और जब हम नीचे आते हैं इसको तो हमारे पास लास्ट में क्या होता है, डिलीटेड एक्सरसाइज फॉर टॉपिक फॉर सीजन 2021 एंड 2022। ये भी हमारे पास जो डिलीटेड सिलेबस है HBSC का 2021-22 का, वो दे रखा है। चलो देखते हैं 2021-22 के कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारी क्या हुई हैं, डिलीट हुई हैं अब की बार। तो आप सब ने ये देखा कि हम किसी भी सिलेबस, किसी भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसका किस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि उसमें हमारे पास जो HBSC की साइट थी उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस नहीं दिखा रखा था, उसमें एक टोटल सिलेबस दिखा रखा था। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात को जानकर, उस स्क्रीन को देखकर HBSC की साइट पर जाकर, कि अभी तक HBSC वालों ने ये फैसला नहीं लिया है कि हमारी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे। तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि हमारा HBSC वालों का कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे। तो अभी तक सिर्फ ये है कि एनुअली एक बार ही एग्जाम होंगे HBSC वालों के। तो अभी तक बच्चा सिर्फ पूरे सिलेबस की तैयारी में लगे। जब भी कोई न्यूज़ आपको मिलेगी कि HBSC वालों ने खबर दी है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे उनके भी, तो आपको लेटेस्टली बता दिया जाएगा। और सबसे पहले न्यूज़ की जानकारी लेने के लिए HBSC के बारे में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके कि HBSC वालों ने भी फैसला ले लिया कि हमारी फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे या एनुअली एक बार ही एग्जाम होंगे। तो आप सबने ये तो देख लिया कि सिलेबस क्या था और किस तरह हम उसको डाउनलोड कर सकते थे, और ये भी देखा कि रिड्यूस्ड सिलेबस क्या था। तो अब उस रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि किस तरह हमारे NCERT और एलिमेंट अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो किस तरह होंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो उसमें बात थी कि एक्सरसाइज 7.7 दे रखी थी, तो ये जो 7.7 एक्सरसाइज है ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है, कि जो डिफरेंशिएशन की 7.7 एक्सरसाइज है वो किसकी है, 7.7 एक्सरसाइज हमारी एलिमेंट बुक की, कि अगर कोई बच्चा एलिमेंट पढ़ता हो तो उसकी जो 7.7 एक्सरसाइज है वो क्या कर दी गई है, रिड्यूस्ड कर दी गई है। लेकिन जो बच्चा NCERT पढ़ता है उसकी वो एक्सरसाइज होगी 5.7। कहने का मतलब 5.7 कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें हम कौन से यूज रूल लगाते हैं, जो हम लॉगरिथम के जो फंक्शन लगाते थे कि एक्स की वैल्यू अलग निकालते थे, वाई की अलग, और दोनों को वो करते थे, और उसी में पार्ट हमारा शामिल है डबल डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा डिफरेंशिएशन का डबल डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज है कि हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते थे, वो एक्सरसाइज अब की बार कर दी गई है रिड्यूस्ड, तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी होगी। ये थी पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि एक्सरसाइज 9.3 या 7.3, जो एलिमेंट पढ़ता है उसके लिए 9.3 और जो
एनसीईआरटी पढ़ता है वो 7.3। तो अक्सर शायद ये 7.3 या 9.3 ये किसका पार्ट है, ये हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो जो इंटीग्रेशन में हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो अब की बार रिड्यूस्ड कर दी गई है, तो 9.3 या 3x थर्ड जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारी सब्सटीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके दूसरी वैल्यू में पुट करते थे, x को सब्सटीट्यूट y में करते थे। तो जो ये एक्सरसाइज है हमारी इंटीग्रेशन की वो अब की बार कर दी गई है रिड्यूस्ड। ये था इंटीग्रेशन का। उसके बाद आती है लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन। इसमें हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं दे रखी, लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। जो हमारे पास dy by dx plus py is equal to क्या हो, इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चन आते थे, ये हमारे क्वेश्चन आते हैं लगभग 9.5 में, कि जो 9.5 एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी बुक की, उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसी टाइप जो है जिसमें हमारे पास dy by dx plus py is equal to क्या हो, कहने का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन की 9.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वो कर दी गई है अब की बार रिड्यूस्ड। तो अब वो एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी होगी। उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक हमारा, उससे पहले मिसलेनियस एग्जांपल, कि जो एनसीईआरटी में मिसलेनियस की एक्सरसाइज और उनके एग्जांपल थे वो अब की बार रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं। अब की बार मिसलेनियस जो पार्ट होगा हमारा, उसमें से क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो जो बच्चा मिसलेनियस भी सीखता था वो अब की बार सीखे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के लिए सीखे, अगर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखता है तो हमारे पास मिसलेनियस उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है मीन एरर वेरिएंस। मैं क्या कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का, वो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में ही हमारा ये मीन्स एंड वेरियंस, जो अभी तक 11th तक या 10वीं तक हम सीखते थे कि मीन जो वैल्यू निकालते थे हम किसी भी डाटा का मीन, तो वो हमारे स्टेटिक्स का पार्ट होता था, लेकिन अब की बार वो प्रोबेबिलिटी में ही डाल दिया गया है मीन एंड वेरियंस। कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का अगर हमें मीन या वेरिएंस निकालते थे हम पिछले साल, वो अब की बार रिड्यूस्ड कर दिया गया है। अब की बार मीन एंड वेरिएंस आपको नहीं सीखनी होगी। तो ये मीन एंड वेरिएंस कौन सी एक्सरसाइज में, हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज में। तो प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज भी अब की बार कर दी गई है रैंडम। तो आपने ये देखा कि जब तक हमारा पहले 7th चैप्टर थे, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन से शुरू हुआ है, डिफरेंशिएशन का पहला था कि 5.7 आपकी क्या कर दी गई है रिड्यूस्ड। लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इन चार चैप्टरों में से आपका कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं हुआ है। ये आपने आपकी एचबीएससी की साइट पर जाकर भी देख लिया है। अगर कोई सिर्फ मैथ का नहीं, अगर आपको साइंस का, कहने का मतलब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी इंग्लिश किसी का भी सिलेबस जानना हो, तो हमने जो आपको स्क्रीन के रूप में समझाया था उस तरह जाए एचबीएससी की साइट पर और सिलेबस देख सकते हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स की बात, कि एचबीएससी वालों का मैथ का अब की बार क्या सीन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का भी कोई कन्फर्म नहीं हुआ है एचबीएससी वालों का, या किसी की फेक वीडियो देखकर आप ये समझे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम होंगे, नहीं। अब की बार ये एचबीएससी वालों का कन्फर्म नहीं हुआ है, सीबीएसई वालों का तो कन्फर्म हो गया है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में एग्जाम होंगे, लेकिन एचबीएससी वालों का अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है। तो जब भी कन्फर्म होगा मैं आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और बहुत सारे बच्चे एचबीएससी वाले ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं चल चुका है कि किस तरह सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है या नहीं, तो उन बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर बच्चे को ये पता चल सके कि एचबीएससी वालों का अब की बार क्या सीन